जनपद पुलिस 15 साल के सभी अपराधियों की हिस्ट्री खंगाल रही है, जिसके संबंध में एसएसपी दिनेश कुमार पी ने बताया कि जनपद में लूट व डकैती के साथ हत्या, चोरी व वाहन चोरी, अपहरण, चैन स्नैचिंग सहित चार्जशीटेड अपराधियों का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अपराधियों के नजदीकी थाना तथा जो अपराधी जेल में हैं, उनके गतिविधियों की मॉनिटरिंग की जा रही है। जो अपराधी जेल से छूट गए हैं तथा जो जमानत पर बाहर आए हैं, उन पर भी पुलिस की नजर है, जिससे कि वह दोबारा अपराध की दुनिया में वापस ना चले जाएं। एसएसपी ने बताया कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि अपराधियों पर नजर रखने से अपराधियों की गतिविधियों का पता चल सकेगा तथा जो अपराधी सुधरना चाहते हैं, पुलिस उनकी मदद करेगी। एसएसपी ने कहा कि कोई अपराधी 6 साल पहले अपराध किया है तथा वह लगातार थाने में आकर हाजिरी लगा रहा है, तो ऐसे अपराधियों को दोबारा कोई फर्जी नहीं फंसा पाएगा, जिसकी मदद पुलिस करेगी, जिससे कि वह अपराधी समाज के नागरिकों के साथ एक अच्छी जिंदगी जी पाएगा। उन्होंने बताया कि अभी तक की जानकारी इकट्ठा करने में लगभग 9000 अपराधी जनपद के रहने वाले हैं तथा 3000 अन्य जनपद सहित अन्य राज्यों के रहने वाले हैं, जिनकी सूची उनके राज्यों को भेज दी गई है। उन्होंने बताया कि जानकारी इकट्ठा करने से अपराध में कमी आएगी तथा अपराधियों पर लगाम लगेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी दिनेश कुमार पी ने कहा, विगत 15 वर्षों में लूट और डकैती के साथ हत्या, नकबजनी, चोरी, वाहन चोरी, फिरौती है तो अपहरण, चेन स्नैचिंग आदि इत्यादि जो अपराध के श्रेणी में जो चार्जशीटेड अपराधी है, उनकी पूरा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और जहाँ पे रहने वाले हैं वहाँ को ये सूची भेज रहे हैं, वहाँ से इनकी डोजियर बना के अपने पास रख रहे हैं और इनको थाने बुला के वेरीफाई कर रहे हैं टाइम एंड अगेन। जो जेल में है उनका जेल से ही वेरीफाई कर रहे हैं, जेल में है या छूट गया है, उनका जमानतदार की वेरीफाई कर रहे हैं, इस तरह से उनको लगातार हम मॉनिटर कर रहे हैं ताकि ये पुनः अपराध की दुनिया में वापस न चले जाएं। इसका मकसद दो है, एक तो हम इसके पीछे मॉनिटरिंग करते रहे, प्रिवेंटिव मकसद ये है, दूसरा सुधार करने की भी हमारा उद्देश्य ये है कि अगर कोई अपराधी सुधारना चाहता है उसकी मदद पुलिस करेगी। तो अगर मान लीजिएगा कोई अपराधी अपराध किया है, पिछले 5-6 साल से उसके अपराध नहीं है और थाने में संपर्क में, थाने में आके हाजिरी लगा रहा है और कल को उसको कोई फर्जी नहीं फंसा पाएगा, ये भी एक मकसद है ताकि वो अन्य समाज के बीच में वो एक समाज के साथ एक नॉर्मल लाइफ भी वो जी सके, रिहैबिलिटेशन हो, ये भी हमारा मकसद है। देखिए लगभग 12,000 लोग पूरा पिछले 15 साल में इन श्रेणीबंद अपराधों में थे, जिसमें लगभग 9,000 करीब हम लोगों ने गोरखपुर के निवासी इसमें शामिल थे, बाकी 3,000 अन्य जनपद, अन्य राज्य एवं अन्य देश के भी हैं, उनको संबंधित जनपद, संबंधित राज्य को सूची भेज दिया गया है। उनसे भी अपेक्षा किया गया है कि इनके अतिरिक्त अन्य क्रिमिनल हिस्ट्री, उनकी वेयरअबाउट्स पता करके हमको बताएं। लगातार इस पर हम काम कर रहे हैं, अभी फिलहाल संख्यात्मक हम डेटा नहीं दे पाएंगे कितना क्राइम में गिरावट आया है, बट हमारा मकसद ये भी था कि हमारे सिपाही बीट पे जाएं, अपने बीट में जो रहने वाले क्रिमिनल्स के बारे में वो कुछ जानकारी रखें, उनको पहचाने बाई फेस, तो ये भी मकसद था। ये हमारे मकसद में हम रोज़ कामयाब हो रहे हैं क्योंकि एक कलेक्टिव क्यूमुलेटिव काम है, धीरे धीरे ही बढ़ता ही है, हमारे सिपाही फील्ड में जा रहे हैं जी।